बेटा अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर और बरादरान मुख्तरिम हर साल ये तकलीफ फरमाते हैं, शुक्रिया। जीती रहो बेटा। आंखें निदों के खजाने हैं, दौलत के पैमाने हैं, ज़ुल्फ़ें रातों की जवानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं, नींदों के खजाने हैं, जो उल्फत के पैमाने हैं, जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए, माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए, मुखला फूलों की कहानी, मुखला फूलों की कहानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके,
सांचे में ढली है हर दिल के हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके पत्थर का जिगर हो पानी पत्थर का जिगर हो पानी सपनों की रानी मेरे सपनों की रानी रूही 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 मेरे सपनों की रानी चुप हो तो उदासी जसती है हंस दे तो खुदाई हंसती है चुप हो तो उदासी डसती है हंस दे तो खुदाई हंसती है बोले तो फिजा नूरानी बोले तो फिजा नूरानी सपनों की रानी मेरे सपनों की रानी रूही 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 मेरे सपनों की रानी मेरे सपनों की रानी रूही 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 मेरे सपनों की रानी मासूम बच्ची की बदनामी हो रही है राजपूती आन का गला घोटा जा रहा है और हम है कि खामोश बैठे हैं तो फिर इस बदनामी से बचने के लिए आपने क्या सोचा है अब जिस कदर जल्द हो सके रूही की शादी कर दी जाए शादी रूही की शादी आशा की
ज्वाला सिंह, हमें बताया गया है कि तुम अमनो अमान की जिंदगी से उकता कर अपनी हवेली को कत्ल खून का मरकज बना रहे हो। अगर ये सच है तो माँ बदौलत इस बदमनी का सबब पूछते। इसका सबब गुलाम का हारा हुआ एक कौल है जहां पना, वो कौल जो ज्वाला सिंह ने अपने मरहूम दोस्त मिर्जा दिलावर बेग की इकलौती बेटी रूही की हिफाजत के लिए दे रखा था। रूही? तो क्या ये वही रूही है जो एक शायर के गीत बन बनकर हिंदुस्तान के हर नौजवान के दिल में धड़कन पैदा कर रही है? जहां पना और उसी दीवाने शायर सुहेल के सबब मेरे पांचों बेटे अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सबसे उतर गए। मगर हमें समझाओ कि तुम्हारी हद दर्जा हिफाजत के बावजूद भी रूही सारे हिंदुस्तान की दिलचस्पी का सबब कैसे बन गई? क्या तुमने उसे पर्दे में नहीं रखा? रूही मेरे धर्म की लाज और माथे का तिलक है क़िबले आलम। वो जू जू जवान होती गई, मैं अपने घर की दीवारों को बुलंद करता गया और मेरे बस में होता तो उन दीवारों को आसमान से जा मिलाता। मगर इस पर भी न जाने क्यों कर उस बदलगाम सुहेल ने रूही को देख लिया और उसे बदनाम कर दिया, बहुत महंगा कर दिया रूही को हमारे लिए। अगर रूही आलिम शबाब में पहुंच गई थी तो तुमने उसकी शादी किसी मुनासिब जगह क्यों न कर दी? गुलाम ने जब कभी रूही को ब्याहने का इंतजाम किया, लोग हुजूम दर हुजूम होकर बारात पर टूट पड़े और उसकी हिफाजत में हर बार मुझे अपने एक बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। क्या वो इस दर्जा हसीन है कि हर दिल में उसकी आरजू और हर सर में उसका सौदा समा गया है? इजाजत हो आलिजा के ज्वाला सिंह खामोश रहे, क्योंकि इस तरह रूही के हुस्न का तस्करा मेरी जबान पर आ जाएगा और एक गैरतमंद बाप को किसी तरह नहीं जचता कि वो अपनी बेटी की खूबसूरती बयान करे। फिर मैंने भी सिर्फ चांदनी महसूस की है, चांद को आज तक नहीं देखा। क्या मतलब? जहां पना, पुजारी लक्ष्मी के चरणों में सर झुकाते समय चेहरे पर नजर नहीं डालता। रूही जू जू जवान होती गई, मैंने भी उसे पैरों से ऊपर कभी निगाह उठाकर नहीं देखा। जजाक अल्लाह, ऐ राजपूत, तुम्हें साहिब करा का सलाम पहुंचे। मुबारक हो हिंदुस्तान को और उस कौम को जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। क्या ठिकाना है इस पाकीजगी और अजमत का, माँ बदौलत तुम जैसे जानिसार को मसाहिब खास बनने का शर्फ बख्शते हैं और तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए भी गौर फरमाने का वादा करते हैं। जाकुदा, आज जो तुमने गीत सुनाया वो सिर्फ शायरी है या हकीकत? हकीकत है मलका आलम, रूही और सुहेल के इश्क के चर्चे तो घर घर में हो रही है और ये मशहूर है कि रूही के पास नहायत खतरनाक हुक्म है। और ये सुहेल कौन है? एक शायर जिसके रस भरे गीतों ने उसे इतनी शोहरत दी है कि आज रूही का हुस्न हर नौजवान के दिल की धड़कन बन गया है। दौलत बना, अजमत बना, आली जा, बाला जा, जिल्लल्ला, सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी शहंशाह हिंदुस्तान, साहिब करान, साहिब करान, साहिब करान। तस्लीम ताजदा रहीम। तस्लीम बानो रहीम। हिंदाज कुछ परेशान नजर आते हैं। मुमताज, आज हमने एक बदनसीब हसीना की दर्द भरी कहानी सुनी है। क्या हसीन होना जुर्म है, गुनाह है? कौन कहता है सरताज?
सूरत और सीरत तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मगर ये नेमत एक शरीफ घराने की तबाही का सबब बन गई है। पांच पांच मुंह बोले भाइयों के कुर्बान हो जाने पर भी सरदार ज्वाला सिंह की बेटी रूही आज तक कुंवारी। क्या ये वही रूही है जिसके हुस्न के चर्चे एक दीवाने शायर के गीत बन बनकर फिजा में गूंज रहे हैं? हाँ, ये वही दोशीजा। कहा जाता है कि उसका हुस्न बेपनाह और मशहूर है कि उसका चेहरा हुराने बहिश से ज्यादा मुनव्वर और पाकीजा। और जब कभी उसका बाप उसकी शादी का इंतजाम करता है, रूही के तलबगार लाखों की तादाद में जमा होकर बारात पर हमला कर देते। कुछ तो खून होता है और शादी रुक जाती। बेचारी मुमताज, इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। हमारी राय है कि हजूर सुल्तान रूही को अपनी हिफाजत में ले ले और किसी मुनासिब जगह उसकी शादी का इंतजाम फरमाए। फिर किसमें इतना हौसला होगा कि जिल्ले सुभाने की मर्जी से बगावत करे? मुमताज, तुम बेहतरीन बीवी भी हो और बेहतरीन सलाहकार भी। हम तुम्हारी राय से इत्तफाक करते हैं। रूही को किलाए मोहल्ला में बुलवा लिया जाए। आलिशान मलिका, वो आपत यहाँ ना बुलवाई जाए। वो लड़की अगर इस दर्जा हसीन है तो क्या? तो फिर मलका आलिया बेहतर जानती है कि दुनिया में कोई चीज इतनी जल्द बदल जाने वाली नहीं जितनी मर्द की नजर, और कोई चाहे इतनी बेकरार नहीं जितनी मर्द की पसंद, और कोई बात इतनी कमजोर नहीं जितनी मर्द की राय औरत के मामले में। तो फिर वो होशरुबा नाजनी कहीं आए बानो हिंद आपकी और साहिद करा के दरमियान न खड़ी हो जाए। खुदा न करे कोई हुजूर सुल्तान की नजरों को बदल दे और मलका आलिया के करार में गम के कांटे चुभ जाए। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, ये खतरनाक मशवरा वापस ले लीजिए। गुस्ताख नीज, गोया तूने ये कहा कि हिंदुस्तान के जलीलुल कद्र बादशाह की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी निगाहें बेईमान हो सकती हैं और उसके मर्तबे में झोल पड़ सकता है। गोया तूने ये इतराज किया है कि रियाया की इज्जत और आबरू का निगेबान पाकीजा दिल और दिमाग नहीं रखता। तूने खुले तौर पर बादशाह की शान पर हमला किया है और गुस्ताखी की है, और तूने कहा है कि शहंशाह हिंदुस्तान का मिजाज छोरा है। तूने मुमताज उज़्ज़मानी और शाहजहां की गैरफानी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और समझ लिया है कि मुमताज उज़्ज़मानी एक मामूली चीज है। अब वो लड़की इस महल में जरूर बुलवाई जाएगी। जवानी, ये हुस्न, ये अंदाज, अल्लाह खैर करे। मलका आलम, खुदारा कलीज की एक बात सुन लीजिए। रूही सचमुच बला की हसीन है, वो एक नूर है, वो एक शोला है, वो एक बिजली है, वो एक कायमत है सरासर। वो इस महल में जलजले जगाने आई है। लौंडी कुर्बान जाया है बानो हिंद, इस सांस लेते हुए अंदेशे को महल से बाहर निकाल दीजिए। हुक्म दो मशाताओं को कि वो उसे इस दर्जा संवारे, इस कदर सजाए कि फरिश्ते भी आसमानों से झांकने लगे। मलका आलम, और अब तुम जा सकती हो। ये मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम जमाना, दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना। हाय हाय ये जालिम जमाना, दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर
हम की नजरों से नजरें बचाकर दिल के हाथों से दाम छुड़ाकर हम की नजरों से नजरें बचाकर उठ के वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना हाय हाय ये जालिम ज़माना कोई मेरी ये रुदाद देखे ये मोहब्बत की बेदाद देखे कोई मेरी ये रुदाद देखे ये मोहब्बत की बेदाद देखे भुक रहा है जिगर पड़ रहा है मगर मुस्कुराना हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना गम दिए मुस्तक़िल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना बाजी मलिका मेरी अच्छी बाजी जानबूझकर खतरे न बढ़ाओ भली चंगी तकदीर को बिगड़ने का मौका न दो रूही का गुस्ताख हुस्न हुजूर साहब पर आके इत्मीनान में खलल डाल देगा मोहब्बत की दुनिया में तूफान आ जाएगा निकाल दो इस खतरनाक दोशीजा को महल से निकाल दो बाजी मेरी भोली बहन हमशीरा अजीज हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ है कि हमारी खुशनसीब बहन हुजूर साहिब करान के इस्तकलाल का इम्तिहान चाहती है इरादे से बाज आ जाओ अजीजा बाजी मलिका बाज आ जाओ मुमताज मेरी लाडली बच्ची ये हम क्यों सुन रहे हैं कि तुम यस्सर इत्मीनानों से उकता गई हो खूबी किस्मत पर खुदा का शुक्र बजा लाओ अजीजा तुम ताजदार हिंद की राहत में खलल डाल दोगी एक दूसरीजा की हिमायत से तो बिरादरे मोहतरम गोया सभी का ये ख्याल है कि रूही को देखकर साहब करां की नजरें बहक जाएंगी और शाहजहां की मुमताज से मशहूर वफादारी एक मुसलसल फरेब है खुदा न करे ये फरेब और अगर नसीब दुश्मना फरेब हो भी तो बात फरेब है जाने बिरादर दिल फरेब होते हैं तो फिर मुमताज गम खाने के लिए तैयार है फरेब खाने के लिए तैयार नहीं मलका आलिया रूही पनसवर कर नूर के सांचे में ढल गई है अब वो एक तड़पती हुई बिजली है जो किसी के खिरमन हयात पर गिरा चाहती है हम मुलाहजा फरमाएंगे मुमताज मुमताज बाजी सुभान अल्लाह रूही तुम सचमुच सरापा नूर हो राहत हुई तुम्हें देखकर कनी सादा बजा लाती आओ मेरे साथ जिल्ले सुभाने के इस्तकबाल के लिए तुम्हें यहीं ठहरना होगा फिर ऐसा खतरनाक इम्तहान क्यों है बाजी मलिका देखना चाहती है मुमताज जमानी कि आज कोई अजूबा कोई मोजिजा मुमताज की तरफ बढ़ते हुए साहिब करां के कदमों को डगमगा सकता है या नहीं
खुदा न करे, मगर बेटा फिर भी वो इंसान ही का कदम है। शायद डगमगा जा तो फिर वो साहिब करा कर डगमगाया हुआ कद जमीन पर नहीं मुमताज की गर्दन पर पड़ेगा। शौकत पना, दौलत पना, अजमत पना, परवरदिगार इलाही खैर। बाजी मलिका लिल्लाह बाज आ जाओ। नहीं, अब सितारों को टकराने दो, आज हम इसी पर मचल गए। खैर हो यार, मालिक है दो जहां, किब्रियाई के सब के लिल्लाह कोई संभाले। मुमताज जमानी, मुमताज। तस्लीम ताजदार हूँ। तस्लीम बानो हिंद, हम घबरा गए थे अपनी मुमताज को निगाहों से ओझल देख। मुबारक 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 मुबारक। ये शोरे मुबारक क्या था? इसलिए कि सेहत करा के पाए मुबारक आखिर जमीन ही पर पड़े, मुमताज की गर्दन पर नहीं। समझे नहीं? आज एक बेहद हसीन दोशीजा शाहजहां मुमताज के दरमियान खड़ी कर दी गई थी। सबका ख्याल था कि उसे देखते ही सहत करा के कदम डगमगा जाएंगे, लेकिन मुमताज का ईमान था कि चाहे मुकाबल में हूर उतर आए, शाहजहां की बदही रफ्तार में से कोई कदम ऊंचा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मुमताज का शाहजहां की पाकबाजी पर ईमान है तो इम्तिहान कैसा? मकसूद ये था कि लोग भी देखें और यकीन करें कि मुमताज का ईमान किस दर्जा मजबूत है। रूही मुजरे को पेश हूं। कनी साहब करा के हुजूर में मुझसे करती है। सलामत बाश, माशाल्लाह लड़की तू वाकई खूबसूरती का एक शाहकार है। मसरत हुई तुझे देखकर, कुछ तलब कर। कनी सिर्फ वापस जाने की इजाजत चाहती। वजह? ये हकीर लौंडी जिस खिदमत के लिए बुलाई गई थी वो तो अंजाम पा चुकी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस नाचीज की जिल्लत से आज मलिका आलिया की शान दुबाला हो गई। अजीजा तुम्हें धोखा हुआ है, यकीन करो कि यहाँ औरतों का बांसपन नहीं परखा जाता, बल्कि साबित ये करना था कि वो शहनशाह जो रियाया की इज्जत व आबरू का निगेबान है उसके ख्यालात आवारा नहीं। क्या तुम अपने बादशाह के इस्तकलाल से खुश नहीं? खुश हूँ मलिका आलम, और अगर किसी वजह से तुम्हारी दिल शिकनी हुई है तो हमें अफसोस है। हम इसके सिले में अपनी वसी सल्तनत से चुनकर तुम्हें एक बेहतरीन शरीक हयात अता फरमाएंगे। आओ मेरे साथ। ये तुम्हारा महल, ये खादमाएं तुम्हें किस्से और कहानियां सुनाएंगी, ये दिलकश नगमे सुनाएंगी, ये हुसल दिलाएंगी, ये सिंगार कराएंगी, ये रात को सुलाएंगी और ये सुबह मीठे सांस बजाकर नींद से जगाएंगी, और ये हमारी खास कने जाफिजा दूर अंदेश और समझदार जाफिजा आज हम से भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर करते हैं। आलीशान मलिका, बंदी की सभा से इन इनायतों का शुक्रिया अदा करे। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो हमारी मेहरबानियों की इब्तदा है। मुबारक
जनाब का नाम? अमीर अली ईसा बिन मर्दान शिराजी। वतन? ईरान। हिंदुस्तान में आने का सबब? शाही मुलाकात। शाही मुलाकात? रवानगी? कल सुबह। कल सुबह? आज रात आप यहीं आराम फरमाएंगे। कोई और खिदमत? शख्स, हिंदुस्तान के अजायबात और मशहूर चीजें क्या हैं? कहते हैं पहले तो यहाँ कुतुब मीनार, अशोक की लाश, कौरव पांडव का किला, बनारस के घाट, लखनऊ की ककड़ियाँ, बरेली का सुरमा, हापड़ के पापड़ बहुत मशहूर थे, मगर कहते हैं कि अब तो सिर्फ एक चीज है जो बहुत मशहूर है। वो क्या? वो क्या? कहते हैं बरस 15 या के 16 का दिन जवानी की रातें मुरादों के दिन। क्या ये किसी दवा का नाम है? नहीं जनाब, ये तारीफ है रूही नामी फितने रोजगार की। रूही? क्या ये वही रूही है जिसके चर्चे हिंदुस्तान की सरहद से लेकर यहाँ तक सुनता रहा हूँ? बेशक, ये वही रूही है जिसके कयामत के हुस्न ने एक हश बपा कर रखा है नौजवानों के दिलों में। कहते हैं वो बला की हसीन है, उसके जलवे, उसका शबाब, उसकी मस्ती, कहते हैं दुहाई है दुहाई। ये बेशुमार अर्जियां रूही के तलबगारों ने सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में गुजारी हैं। इन्हें पढ़कर मालूम होता है कि हर उम्मीदवार हुजूर साहिब करां की निगाह करम का मोहताज। रूही एक और तालिब लाखों, वो सिर्फ उस शख्स के हवाले की जाएगी जो उसके अहल होगा। ऐलान कर दिया जाए कि बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब तमाम उम्मीदवार हाजिर हुजूर हों। जिल्ले सुभानी। बना ये मजमा, ये हुजूम, महल में गोया एक चिराग रोशन है और परवाने हैं कि उमड़े चले आते हैं। अब मैदान में तिल भरने की भी जगह नहीं रही, जैसे कि सारी दुनिया की आबादी अलवेली तेरे झरोके के नीचे सिमट आई है। जरा उठकर तो देख ले गुलबदन, दुनिया की मुश्ताक निगाहें तुझे एक झलक देखने के लिए बेताब हो रही है। سلطان ابو مظفر شہاب الدین محمد بادشاہ غازی شہنشاہ ہندوستان صاحب قران صاحب قران۔ لو وہ حضور سلطان کے روپ میں ان عاشقوں کی تقدیر چلی۔ آج وقت کا سب سے بڑا جوہری اس انمول رتن کا خریدار ڈھونڈنے نکلا ہے۔ पनाह, किस कदर हजूम है। बादब बामुलाहिदा होशियार ताजदार हिंद सुल्तान मुअज्जम हुजूर जिल्ले सुभानी साहिब करान सानी तुमसे मुखातिब होते हैं। शरीफो, रूही के लिए मुनासिब शोहर का इंतखाब करने से पहले माँ बदौलत ये जानना जरूरी समझते हैं
کہ اس کے لیے سب سے زیادہ آرزومند کون ہے اور کس کے عشق میں بلا کی کشش اور طاقت جو قدرت کے اس حسین شاہکار کے لیے ایک ایسی چیز ایک ایسا ماحول ایک ایسی فضا ایک ایسی دنیا ایک ایسی جنت مہیا کرے کہ جس میں روحی کو خوشحال دیکھ کر ہر شخص بے اختیار پکار اٹھے اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است جنت 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 زمین پر جنت یہ انسان کے بس کی بات نہیں ناممکن ہے ناممکن ہے نہیں ناممکن معاذ اللہ یہ لوگ کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے وہ مقدس جنت بھلا کون بنا سکتا ہے دراصل یہ لوگ جہاں بنا کے اشارے کو نہیں سمجھے نہ سمجھ ہیں نادان ہیں اس اشارے سے ہمارا مقصد صرف امتحان ہے ممتاز ورنہ ہر محبت کرنے والے کا گھر محبوب کے لیے جنت خواہ وہ شاہ جہاں کا محل ہو یا فقیر کا جھونپڑا یہ ناممکن شرط سن کر وہ پتھرا کر رہ گئے ہیں گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان پر دل ٹوٹے ہوئے سینے بیٹھے ہوئے کندھے جھکے ہوئے وہ اپنی تمناؤں کے جنازے واپس لیے جا رہے ہیں سفر ٹوٹی جا رہی ہے ہجوم کم ہوتا جا رہا ہے اب وہ ہزاروں میں صرف چند رہ گئے ہیں صاحب کاران وہ مایوس ہو گئے ہیں ان میں کس بل نہیں وہ واپس جا رہے ہیں ان میں محبت نہیں میدان خالی ہو گیا بد نصیب روحی اس ناممکن شرط کا مطلب یہ ہے روحی کہ تو زمانے بھر کے دلوں سے چھین لی جائے کیونکہ اے خوش نصیب حسینہ اب دنیا کا سب سے شاندار دل تیرے لیے دھڑکنا چاہتا ہے تجھے مبارک ہو اور گواہ رہنا کہ ہندوستان کی ہونے والی ملکہ کے قدموں میں سب سے پہلے جاسزا اپنا سر جھکاتی ہے جاسزا بے شک تو ملکہ بنائی جائے گی کیونکہ نہ جنت کسی سے بن سکتی ہے اور نہ روحی کسی غیر کی ہو کر محل سے نکل سکتی ہے خاموش گستاخ کنی وہ آخری صف میں کون رہ گیا ہے کیا اس نے ہماری شرط نہیں سنی اے شخص کیا تم شرط پوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہو بے شک اسے ہمارے حضور میں پیش کیا جائے تین جانب سے اپنا تعارف کراؤ عالی جا وہ میرے ہی الفاظ ہیں جو روحی کا حسن بن کر تمام دنیا میں مشہور ہیں اور وہ میری ہی فریاد ہے جو عشق کے گیتوں میں ڈھل ڈھل کر دنیا کو محبت کا پیغام دے رہی ہے میں ہی اس قصے کا آغاز ہوں اور میں ہی اس کہانی کا انجام بنوں گا میں نے ہی سب سے پہلے حسن کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکایا تھا اور آج میں ہی عشق کے گھمنڈ میں روحی کے لیے جنت بنانے کا دعویٰ کرتا ہوں میرا نام سہیل بن عباس کرمانی ہے اے محبت کے پرستار صاحب قناہ تمہاری ہمت اور تمہارے ارادے کی داد دیتے ہیں تمہارا یہ جذبہ عشق یقیناً روحی کی خاطر ویسے ہی جنت مہیا کر سکتا ہے جیسی کہ ہمارے تصور میں ہم تمہاری آزمائش کریں گے شکریہ بندگان عالی غلام چاند اور ستارے بھی نوچ کر ڈھیر کر سکتا ہے روحی قدموں پر میری بے پایا محبت اپنا کرشمہ دکھانے کے لیے بیتاب ہے بہتر تین جانب تمہارا انتظار کریں گے آج سے ایک سال تک روحی ہمارے پاس تمہاری امانت ہے اور اس کے لیے ہمارا وعدہ ہی تمہارا گواہ ہے لیکن یاد رہے کہ ایک سال کے بعد اگر تم اپنے دعوے کو پورا نہ کر سکے تو پھر کوئی عذر کوئی ہیلا بہانہ تمہارے کام نہ آئے گا اور تم ہمارے غضب اور عتاب کا نشانہ بنو گے بس جاؤ اور قسمت آزمائی کرو شکریہ ملکہ صاحب قرآن کے رتبے کی قسم روحی کی تقدیر بہت جلد گستاخ ہو کر بانوئے ہند کے نصیب سے ٹکرا جانے والی ہے اور اس خوفناک ٹکر سے میری بھولی ملکہ زمین اور آسمان ہل جائیں گے
मैं आज यकीन से कह सकती हूँ कि साहेब दरान के दिल में रूही के जुल्फों की स्याही फैल गई है और उनकी ईमानदार तबीयत रूही के खतरनाक हुस्न की कायल हो चुकी है। मुगल तख्त का वारिस उस होशरुबा नाजनी की मकनाती सी निगाहों में पूरी तरह उलट गया है और अब कोई दम में हिंदुस्तान का शानदार तख्त एक हकीर तख्ता बनकर उलटने वाला है। मैं वफादारी के जोश में बेअदब हो गई हूँ, इसलिए अब शौक से मेरा सीना चीर दिया जाए, क्योंकि मैं हुजूर सुल्तान को सिर्फ इंसान ही समझती हूँ, फरिश्ता नहीं। कमबख्त, ये कह के सूरज आसमान से टूट कर जमीन पर गिर पड़ा, ये कह के पथरीली चट्टानों में लोच आ गई, ये कह के बर्फ की सिले सुलग कर आग के शोले बन गईं, तो हम एक बार यकीन कर लेंगे, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि मुमताज जमाने को इस पर एतबार आ जाए कि हजूर साहब करा के इस्तकलाल में जुम्बश आ गई। चली जा ओ गुस्ताख कनीस, एक बार फिर हमने तेरा कसूर माफ किया, क्योंकि हम जानते हैं तू बेवकूफ है, बेईमान नहीं। मेरे भोले मलिका, इस यतीम लड़की की शादी के लिए खजाना शाही से 1000 अशर्फियां दे दी जाएं। हुक्म हुजूर हो तो ज्वाला सिंह रूही को वापस ले जाए। वजह सबब? जहां बना गुलाम बच्चे के भरपूर वार को अपनी बूढ़ी छाती पर सहन कर सकता है, मगर नहीं देख सकता रूही को परेशान हालत में। वो तन्हाई और सुकून में पली हुई महल की चहल पहल और हंगामों से घबरा गई है। तुम्हारी ये दरख्वास्त मंजूर नहीं फरमाई जा सकती ज्वाला सिंह। रूही माँ बदौलत के पास 1 साल के लिए सुहेल की अमानत। हुजूर सुल्तान एक दीवाने शायर का एतबार फरमा रहे हैं, मगर अब माँ बदौलत को अपने कौल के मुताबिक सुहेल का इंतजार करना ही होगा। जिंदाबाद बंदगाने आली, फायंदाबाद बारगाह अजमत बनाई, ईरान का मशहूर कारीगर अमीर अली ईसा बिन मर्दान फिराजी शाही इमारत बनाने के लिए दर दौलत पर हाजिर है। बारगाह खुदावंद नेमत है, एहतराम एहतराम एहतराम। ऐ शिराजी, माँ बदौलत अपनी गरीब रियाया के लिए रोजगार मुहैया करने की खातिर हिंदुस्तान में चंद ऐसी आलीशान इमारतें तामीर कराना चाहते हैं जो मुगल सल्तनत की गैर फानी यादगार बन जाएं। मगर ये अजीम शान काम सुपुर्द करने से पहले माँ बदौलत तुम्हारे बेहतरीन कारीगर होने का सबूत चाहते हैं। जिल्ले सुभानी, गुलाम का दावा है कि उसकी आंख इतनी तेज, उसका तखयल इतना जबरदस्त और उसका क्याफा इस कदर सही और दुरुस्त है कि वो अपने फन का एक अजीब और गरीब सबूत पेश कर सकता है। अगर किसी अजनबी इंसान या अनदेखी हस्ती का सिर्फ हाथ देखने का मौका अता फरमाया जाए। इसकी वजह? सिर्फ इसलिए कि गुलाम जिल्ले सुभानी को यकीन दिला सके कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर है, और ये दावा है कि मेरे कमाल को देखकर सुल्तान आलम, मलका मौजमा और दरबार आली का हर फर्द मैं वह हैरत रह जाएगा। हम तुम्हारे कमाल का सबूत जरूर देखना चाहते हैं, मगर हाथ देखने का सबब हमारी समझ में नहीं आया। गुलाम हाथ देखने का सबब तो बयान कर सकता है, लेकिन जहां पना की दिलचस्पी और इश्तियाक खत्म हो जाएगा। अगर नागवार खातिर न हो तो गुलाम को इस वक्त खामोश रहने की इजाजत अता फरमाई जाए। बेहतर, हम तुम्हें मजबूर न करेंगे और इस मामले पर गौर फरमाएंगे। शुक्रिया बंदगाने आली। शिराजी का दावा है कि वो अपने कमाल का बेहतरीन सबूत पेश कर सकता है अगर हम उसे किसी अजनबी इंसान के हाथ देखने और पसंद करने का मौका अता फरमाएं। हम उसकी आजमाइश लेना चाहते हैं मुमताज। आजमाइश यूं ली जाए कि एक ही वजह कथा के बहुत से कंगन शिराजी के सामने रख दिए जाएं, जिनमें सिर्फ एक कंगन पर शाही निशान पोशीदा तौर पर खुदा हुआ हो। फिर खादमाएं पर्दे के पीछे से बारी बारी अपने अपने हाथ बाहर निकालें। शिराजी को जिस खादमा का हाथ पसंद आए उसमें वो खास निशान वाला कंगन पहना दे और बाकी कंगन दूसरे हाथों में,
इस तरह किसी को भी मालूम ना होगा कि खास निशान वाला कंगन किसके हाथ में है। तजवीज नहायत माकूल है मुमताज जमानी, हम ऐसा ही करेंगे। शीराजी, तुम इन जानिब को किसी उलझन में न डाल दो, इसलिए माँ बदौलत ने यह फैसला फरमाया है कि तुम्हें सिर्फ एक हाथ दिखाने की बजाय बहुत से हाथ दिखाए जाएं और तुम उनमें से किसी एक का इंतखाब कर लो। बहुत बेहतर सुल्ताने आलम, और तुम्हारे कयाफे को परखने के लिए हमने ये इंतजाम फरमाया है कि तुम जिस हाथ को पसंद करो उसमें ये निशान वाला खास कंगन पहना दो और बाकी कंगन दूसरे हाथों में, ताकि तुम्हारे इम्तिहान के बाद हम ये देख सकें कि निशान वाला कंगन किस हाथ में है और इससे तुम्हारे दावे को क्या ताल्लुक। गुलाम इसके लिए भी तैयार है जिले सुभानी, लेकिन एक गुजारिश बयान करो, अगर गुलाम अपने फन का कमाल पेश करने में कामयाब हो जाए तो अजराह करम बाद इम्तिहान इंतखाब शुदा हाथ गुलामी के हाथ में दे दिया जाए। बेहतर, तुम्हारी ये दरखास्त इन जानिब को मंजूर है। अगर तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो हम वादा करते हैं कि उसे तुम्हारे निकाह में दे देंगे, कंगन पहनाए जाए। शिराजी रूही का हाथ इंतखाब कर ले तो यह खतरा महल से बहुत जल्द दूर हो सकता है। शिराजी हिंदुस्तान की दोषीदा लड़कियों की किस्मत का हाल बताने आया है। खुश नसीब लड़कियों के हाथ में वो कंगन डाल देता है। चल और तू भी किस्मत आजमाए कर, वो एक बेमिसाल इंसान है। पहनाए जा चुके आलीजा। बेहतर, इन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। शुक्रिया। यहाँ आने का सबब? आपने जो अजीम शान बीड़ा उठाया है मैं उसकी मुबारकबाद देने आई हूँ। खुदा आपको कामयाब करे, इसे कबूल फरमाए। शुक्रिया। शुक्रिया। Thank you.
ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले तेरे रुपए आएगी रंगत शहर की हंसा देगी कलियों को शोखी नजर की तेरे रुपए आएगी रंगत शहर की हंसा देगी कलियों को शोखी नजर की ये नजर किसी से मिलाकर झुका ले उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले ये बदमस्त रातों का गहवारा जुल्फें ये जोश जवानी ये आवारा जुल्फें ये बदमस्त रातों का गहवारा जुल्फें ये जोश जवानी ये आवारा जुल्फें इन आवारा जुल्फों की रातें बसा ले उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले निकल कर उलझना उलझ कर निकलना है इंसान की अजमत तो कांटों में चलना निकल कर उलझना उलझ कर निकलना है इंसान की अजमत तो कांटों में चलना ये क्या है जो गुल से भी दामन बचा ले उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले पति से गैर पानी
जमाने के दामन को रंगी बना ले। गाय जाओ। रूही मासूम अदाओं की अलबेली पुतली, कसम है मुझे तेरे रुखे अनवर की, तू शिराजी के दिल की धड़कन बन गई है। तुझे मुबारक हो, उसने हुबहू तेरा ही मुजस्मा तराश डाला है और अब इश्क मजबूर होकर हुस्न के कदमों में झुका बैठा है। चल और उसे बामुराद कर दे। कोई मजबूर किसी को क्या बामुराद करेगा, मैं तन्हाई चाहती हूँ। इश्क की पहली मंजिल तन्हाई थी, वो तय हो चुकी, दूसरी मंजिल मुलाकात है, कदम उसमें रखना चाहिए। चल मैं तेरी रहबरी करती हूँ। मंजिले इश्क में रख पड़ के कदम बिस्मिल्लाह, यही जन्नत है के दो दिल हो वहम बिस्मिल्लाह। वो देख तेरा नासाने हुस्न पत्थर में ढलकर नकाब पोश है, एक झलक देखेगी। इजाजत के बगैर आधी रात गए मेरी अमलगाह में आने का सबब? कुछ नहीं कुछ नहीं, सुनो तो, सुन तो लो, हम इस मुजस्मे की एक झलक देखकर चले जाएंगे। नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। इस नकाब के आड़ में शिराजी की अमानत, हुजूर साहब पनाह का वादा और मेरे फन का कमाल पोशीदा है। मेरी इज्जत, मेरी गैरत, मेरी हमियत ये हरगिज़ हरगिज़ गवारा नहीं कर सकती कि दुनिया की कोई हस्ती वक्त मुकर्रा से पहले इसकी एक झलक भी देख सके। मोहतरम खातून, आपको एक नामहरम की अमलगाह में बगैर सोचे समझे कदम नहीं रखना चाहिए था। दुनिया की गुमराह निगाहें आपको बदनाम कर देंगी। वापस तशरीफ ले जाइए। कितना गैरतमंद, कितना हयादार, किस कदर शरीफ और उसूलों का पाबंद इंसान है शिराजी, वो काबिल प्रस्तुति है। लगी उमंगें
اتنی دردناک آواز تھی؟ یہ آدھی رات گئے کون گا رہا تھا؟ کوئی چوٹ کھایا ہوا دل معلوم ہوتا ہے جسے نیند نہیں آتی. روحی سہیل کو عنایت سنبھالی جائے عالم پناہ. آج غلام کی بے پایا محبت اپنا کرشمہ دکھانے میں کامیاب ہو گئی. تو گویا تم نے روحی کے لیے وہ چیز بنا ڈالی جس کا ہمیں انتظار تھا. عالم پناہ قلعہ ملا کے سامنے کھلے میدان میں ماں بدولت ملاحظہ فرمائیں گے. بسر و چشم. آلی جا اجازت ہو تو چلتے چلتے غلام اپنی جنت کی تعریف پہ چند اشعار بھی عرض کرے. اجازت. کر لیجیے چل کر میری جنت کے نظارے, جنت یہ بنائی ہے محبت کے سہارے. پھولوں سے لیا رنگ ستاروں سے اجالا, ہر چیز کو ایک نور کے سانچے میں ہے ڈھالا. اس خواب کی بستی کا فلک ہے نہ زمین ہے, اس حسن کی دنیا کی ہر ایک چیز حسین ہے. روشن ہے فضا اور نہیں چاند ستارے, جنت یہ بنائی ہے محبت کے سہارے. گاتی ہے خوشی نغمے تو ہنستا ہے وہاں غم, کلیوں کی ہنسی دیکھ کے روتی نہیں شبنم. فطرت کی زباں پر کہیں مستی کا فسانہ, چھیڑا ہے خاموشی نے بھی پر کیف ترانہ. کچھ سوئے تو کچھ جاگے ہوئے مست نظارے, جنت یہ بنائی ہے محبت کے سہارے. اٹکیلیاں کرتی ہوئی چلتی ہے ہوائیں, نغموں کی ہے برسات تو زلفوں کی گھٹائیں. رنگین ہوئی اور بھی جنت کی کہانی, وہ دیکھیے وہ دیکھیے جھولے پہ روحی کی جوانی, بے تاب کیے دیتے ہیں معصوم اشارے, معصوم اشارے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. غلام سے کچھ غصہ ہوئی؟ بے شک تم نے ماں بدولت کی عقل اور دماغ پر اپنے اشعار کی شعبدہ بازی سے جادو کر دیا اور ہماری نگاہوں کو دھوکے میں ڈال دیا. این جانب کی مراد کسی خیالی جنت سے نہ تھی بلکہ آسودگی اور خوشحالی سے بھرا ہوا وہ گھر مقصود تھا جس میں روحی سکھ اور چین کی زندگی بسر کر سکے. گستاخی معاف ہو جہاں پناہ, حضور نے وعدہ فرماتے وقت جنت کی تشریح نہیں فرمائی تھی. سچ ہے ہم قائل ہو گئے سہیل, اب زمانہ تسلیم کرے یا نہ کرے مگر ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے تمہاری خیالی جنت میں بھی روحی کو خوشحال دیکھا. پس مناسب انتظامات کے بعد روحی تمہارے حوالے کر دی جائے گی. شکریہ بندگانِ عالی. آج شیرازی اپنے فن کا بہترین کمال, بہترین ثبوت, بہترین نمونہ بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا اور یقین سے کہتا ہے کہ یہ دنیا کے عجائبات میں شمار ہوگا. ہمیں مسرت ہوئی اگر واقعی تم اپنے دعوے کی کسوٹی پر پورے اترے تو صاحب قران کا وعدہ تمہیں بامراد کرے گا, ثبوت پیش کیا جائے. ذل سبحانی, کسی خاص مصلحت کے بنا پر غلام نے ثبوت ملکہ موسمہ کے حضور میں بھجوا دیا ہے. ماشاءاللہ اے شیرازی تم بہت دور اندیش ہو,
بانو ہند کو تمہارے فن کا کمال دیکھنے کا اشتیاق ماں بدولت سے بھی زیادہ تھا. ٹھہرو کہ ہم بھی ملاحظہ فرما کر آئیں اور تمہارے نکاح میں آنے والی خاتون کو بھی اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمائیں. نقاب اٹھائی جائے. یہ سراسر فریب ہے, دھوکہ ہے, بے ادبی ہے, گستاخی ہے, جرم ہے, گناہ عظیم ہے. شیرازی جواب دو کہ تم نے روحی کا مجسمہ کس ارادے سے بنایا؟ جواب دو کہ تمہیں مذہب کے خلاف مجسمہ تراشنے کی جرت کیسے ہوئی؟ جواب دو کہ تم نے ہمیں دھوکے میں کیوں رکھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ماں بدولت شرع کے خلاف کسی فعل کو برداشت نہیں کر سکتے؟ تم انعام کے نہیں سزا کے مستحق ہو. گستاخی معاف ہو جہاں پناہ. غلام اپنی کاریگری کا ثبوت اس سے بہتر شکل میں پیش نہیں کر سکتا تھا. مجسمہ صرف اس خیال سے بنایا گیا تھا کہ حضور سلطان پر روشن ہو جائے کہ شیرازی دنیا کا عجیب غریب کاریگر ہے جو کسی اندیکی ہستی کو صرف ہاتھ دیکھ کر اپنے تخیل کی بلندی سے ہو بہو سر سے پاؤں تک اس طرح پتھر میں ترا سکتا ہے کہ اصل و نقل میں تمیز کرنا دشوار ہو جائے. خاموش رہو. اگر تم کسی دوسرے ملک کے باشندے نہ ہوتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ ہندوستان کے شہنشاہ کا عطاب کس قدر خوفناک ہے. تاجدار ہند کے غلام اپنی پہلی اور آخری غلطی پر رحم کی درخواست کرتا ہے. تم شاہی مہمان ہو اور ہندوستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں آج تک کسی مہمان کا خون نہیں بہایا گیا. ماں بدولت مغل سلطنت کے وقار کو تمہارے خون سے داغدار نہ کریں گے, اس لیے تمہارے جرم کو معاف فرماتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ ہونے پائے. شکریہ بندگان عالی. غلام سرنیاز ہم کرتا ہے. ہم تمہارے بے پناہ کاریگر ہونے کا اعتراف ضرور کرتے ہیں مگر مجسمہ فوراً برباد کر دیا جائے. قرار جو اے دل بے قرار جو اے دل بے قرار جو اے دل بے قرار جو ابر بہار آ گیا دور خیزاں چلا گیا عشق مراد پا گیا اس نے قیمت رہی ہے اے دل بے قرار جو اے دل بے قرار جو چاندنی مستی میں ہے کلی کلی جھوم رہی ہے زندگی ڈوبی ہزار بار جھوم ہے دل بے قرار جھوم تاب ہے حسن ہے اور شباب ہے زندگی کامیاب ہے آرزوں کا ہے ہجوم اے دل بے قرار کیوں اے دل بے قرار جھوم تیرا نشہ تیرا خمار اب ہے بہار
पिए बहार, पी के खुशी में बार बार पीरे मुगा के हाथ चूम, ऐ दिल बे करार चूम, ऐ दिल बे करार चूम, ऐ दिल बे करार चूम। रूही, हमें बताओ कि ये कंगन तुम्हारी कलाई में कैसे आया और कौन कौन इस साजिश में शरीक है? मलिका यालिया, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। इस कंगन ने तुम्हारी कलाई में आकर हजूर साहब करां को इस चक्कर में डाल दिया। अब खुदा हजूर के दोनों वादों की लाज रखे। जो कुछ हुआ है वो एक जलजले से कम नहीं। कौन है वो गुस्ताख जिसने हमारी अजमत और जलाल से मजाक किया है? रहम, सुल्तान आलम रहम। तुम डर गई हो, जाओ अपने महल में आराम करो। ताजदार, बात वाकई बिगड़ चुकी है। अब किसी एक के हक में फैसला कर देने से पहले ये लाजिम है कि रूही की तबीयत का रुझान भी देख लिया जाए। अलबत्ता, हम ना इंसाफ ना कहलाएंगे। बानो, हमारी मदद करो। बस सर चश। है कामयाब मोहब्बत, ये कली तेरे हुजूर में मुजरा अर्ज करती है और तुझे मुबारकबाद देती है कि तेरे हसीन ख्वाब की ताबीर पूरी होने का वक्त आ गया। किस कदर खुशगवार होगी वो घड़ी जब ये मरमरीन बाहें शिराजी की गर्दन में हमायत होंगी और ये अम्बरीन जुल्फे उसके शानों पर लहराएंगी। ऐ काश तूने हुजूर सुल्तान को अपनी तबीयत के रुझान का हाल भी बता दिया होता तो ये फुर्कत की घड़ियां ज्यादा लंबी न होती। वो तेरे दिल का हाल जानना चाहते थे और तू खामोश थी, भला क्यों? मलका आलम ने कनीज को याद फरमाया है। ओ गुस्ताख कनीज, हम जान गए तेरी अय्यारियां, पहचान गए तेरी मकारियां। वो तू ही है जिसने रूही को कंगन पहनने पर उकसाया, वो तू ही है जिसने ये नया फितना जगाया, वो तू ही है जिसने शहर के मौजूम पर शुभ किया, वो तू ही है जिसने हमें नई मुसीबत में मुबतला किया। बता बता कि तुझे क्या सजा दी जाए? रहम मलका आलम, खुदा गवाह है मुझे साफ करा की जात से अदावत न थी। मैं रूही के हुस्न से डर गई थी, मैं उस सांस लेते हुए खतरे को महल से बाहर निकालना चाहती थी। नहीं जानती थी कि जो कांटा मेरी आंखों में खटक रहा है वो हुजूर सुल्तान और मलका आलिया के दामन में उलझ जाएगा। तेरी वफादारी ने हमें सख्त अजाब में डाल दिया। जब तू जानती थी रूही सुहेल की अमानत है, फिर ये जरूरत क्या थी? मैं चली जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। आज ताजदारी हिंद का रुतबा वकार खतरे में पड़ गया। मुझे उम्मीद है कि सुल्तान मुअज्जमा कोई कदम ऐसा न उठाएंगे जिससे रूही का बागी दिल हुजूर के असूल से टकरा जाए। मतलब? अभी हुजूर ने फरमाया था कि रूही सुहेल की अमानत है। बेशक, वो उसी की अमानत। हम सुहेल से वादा कर चुके। तो फिर आली कदर ये वादा फौरन वापस ले लीजिए, ये मेरी इल्तजा है। वजह? वो नादान लड़की की उस मंजिल तक पहुंच चुकी है जहां से वापसी की उम्मीद नहीं। यानी? वो शिराजी पर जानो दिल से फिदा है। ताज्जुब, हैरत, कदम कदम पर हमारे लिए फांसी गड़ गई। अब रब्बुल इज्जत ही हमारी लाज रखे। एक सूरत है। वो क्या? सुहेल को बड़ी से बड़ी कीमत देकर भी अपना वादा खरीद लिया जाए। नामुमकिन, कतन नामुमकिन। तुम नहीं जानती मुमताज, शायर की फितरत में बगावत होती। हजूर को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। मुमताज, बाज रहो मुमताज, ये हमारे रुतबे और वकार के खिलाफ। रूही भाग, खुदा के लिए जल्दी भाग, तुझे लांछन और तूफान बनकर तेरे सुख महल में आग लगाने आ रहा है। बादशाह हैराम है, मलका शजदर है, तू शिराजी की हसीन दुनिया से छीन कर जहन्नुम में डाल दी जाएगी। भाग चल,
भाग चल, वो दरिंदा दांतों में जहर लिए तुझे डसने आ रहा है। वक्त बर्बाद न कर मेरी गुलबदन, तेरी नाजुक कलाइयों में उस खतरे को रोकने की ताकत नहीं। उठ, जल्दी उठ। शरबत। शिराजी, खुदा के लिए मदद करो शिराजी। एक मजबूर दोषीदा को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए कुदरत ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बनाया है। चीन, अरब, मिस्र, कातार, ईरान, इसे जहाँ चाहो ले जाओ। हिंदुस्तान की जमीन अब तुम दोनों के लिए सौतेली माँ की गोद बन गई है, जहाँ तुम्हारा रकीब, तुम्हारा हासिद, तुम्हारा दुश्मन सुहेल परवरिश पा रहा है। मोहतरम खातून, हम जानते हैं कि हम जायज तौर पर तुम्हारे हकदार हैं, मगर हमारी शराफत हमें इजाजत नहीं देती कि हुजूर सुल्तान मौजूम के एतबार को धोखा दें। खुदा तुम्हारा मददगार हो, वापस लौट जाओ। खुदारा, इसे महल में वापस न भेजो, वहाँ सुहेल की परछाइयाँ इसकी ताक में छुपी बैठी है। सुहेल इसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। हमें यकीन है कि चाहे रो जमीन का हर फर्द सुहेल बनकर मुकाबले में उतर आए, कामयाबी हमें ही होगी। तशरीफ ले जाइए। ओहदा, दौलत, खिताब, यहाँ तक कि मुगल सल्तनत का जर्रीन तख्त और ताज भी तुम पर निछावर किया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम रूही से दस्तबरदार हो जाओ। वजह? वो तुमसे नफरत करती है। मैं उसे मोहब्बत करना सिखा सकता हूँ। कसम है मुझे अपने अजीम व शान इफलास की, मेरी जबान में बला की ताकत है और मेरे कलाम का जोश आसमानों को जुम्बिश दे सकता है। वो बेहद जिद्दी लड़की है सुहेल, तेरी एक न चलेगी। मेरे बुजुर्ग, आप हिमालय को अपनी जगह से हिला सकते हैं, मगर सुहेल का इरादा नहीं बदल सकते। मैं रूही से ज्यादा जिद्दी हूं, हक मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं, मुगल सल्तनत के सबसे जलीलुल कदर सुल्तान का वादा मांगता हूं। मगर तू रूही को कायल ना कर सकेगा। क्यों ना कर सकूंगा? जो सुहेल साहेब करान जैसी अजीम और शान हस्ती को जन्नत की सैर करा सकता है, वो एक अल्हड़ और नादान लड़की को अपना हम ख्याल भी बना सकता है। मेरा वक्त बर्बाद ना कीजिए। शिराजी की तरफ खींची हुई है और हजूर सुल्तान अपने वादों की लपेट में जकड़े बैठे हैं। किसी एक के हक में फैसला फरमा दीजिए। किसके हक में फैसला फरमाएं? ये सोचने के लिए हमें खिज्र की उम्र आता हो तो भी कम। फैसला शिराजी के हक में ना हुआ तो रूही ना मुराद कहलाएगी। अलमान अलहफीज, ये इनकलाब, ये गर्दिश जमाना, वो मुमताज जिसे हम जिंदगी की रमक, आंखों की जन्नत और दिल का चैन समझे थे, आज हमारे बंधे हुए उसूल से टकराना चाहती है। मैंने तो अपना ख्याल जाहिर किया है। हमें अपने कौल, अपने वादे और अपनी जबान का लिहाज। तो फिर क्या होगा? हम तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर होकर कोई गलत फैसला न कर बैठे और तुम्हारे मशवरे हमारे अदलो इंसाफ से टकरा ना जाए, इसलिए बेहतर होगा कि हम तुम्हारी निगाहों से दूर हो जाए। कोई खतरनाक इरादा मुमताज को भी तबाह कर डालेगा मेरे सरताज। शायद कुदरत को यही मंजूर। अब मुमताज और शाहजहां की मशहूर मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त आ गया। परवरदिगार हमें सुरफरू करे। बानो, हम किसी की हक तलफी करने से पहले आज खुद अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देंगे। कुर्बानी? हाँ, और उस वक्त तक तुमसे जुदा रहेंगे जब तक कुदरत इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी गैबी इमदाद न फरमाए। और अब हम तुमसे अलग होते हैं। मेरे सरताज, खुदा हाफिज।
اور بےمانی ہستیاں، دو سرفرے دیوانے، سلطان معظم اور ملکہ عالیہ کی مشہور محبت میں خلل ڈال رہے ہیں، مغل سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ یہ جبر، یہ خاموشی، یہ فاقہ کشی تاجدار ہند اور بانو ہند کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں گی، حکومت کا نظام بگڑ جائے گا، رعایا بغاوت کر دے گی، ملک میں بدامنی پھیل جائے گی، کچھ تو خون کا بازار گرم ہو جائے گا۔ چپ ساد لی ہے، تنہائی اختیار کر لی ہے، انہیں سمجھایا جائے، انہیں منایا جائے۔ قبلہ عالم، ذل سبحانی، سلطان معظم، عالم فنا، حضور صاحب کرام، پرجاپتی، انداتا، اعلی حضرت، تخلیہ، سلطان معظم کی وفادار رعایا، اپنے نیک دل، ایماندار اور انصاف پسند بادشاہ کے حضور میں یہ عرض کرتی ہے کہ وہ تنہائی اور خاموشی توڑ کر بانو ہند کے سہاگ کو سلامت رکھے۔ یہ التجا ہے، یہ فریاد ہے، یہ پرارتھنا ہے۔ ملکہ معظمہ کی خدمت میں ان کی بدنصیب رعایا یہ التجا لے کر آئی ہے کہ وہ تنہائی اور خاموشی توڑ کر حضور صاحب قرآن کی لڑتی ہوئی زندگی کو سہارا دیں، ورنہ ہندوستان یتیم ہو جائے گا۔ یہ التجا ہے، یہ فریاد ہے، یہ پرارتھنا ہے۔ ممتاز، میری لاڈلی، یہ جب، یہ خاموشی، یہ فاقہ کشی تمہاری زندگی کو خطرے میں ڈال دے گی۔ خدا را اس معصوم بچے کا یہ خیال کرو جو تمہاری گود کو آباد کرنے والا ہے۔ تخلیہ، بانو ہند کی گود آباد ہونے کا وقت بالکل قریب ہے۔ رعایا کا بچہ بچہ ان کی سلامتی کی دعا مانگ رہا ہے۔ اب تنہائی اور خاموشی کو توڑ دیجیے قبلہ عالم۔ تخلیہ، تمہاری خاطر، صرف تمہاری خاطر اے روحی، سلطان معظم اور ملکہ عالیہ کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ وہ تمہاری سکھ اور شانتی کے لیے اپنی مشہور محبت کی قربانی دے رہے ہیں۔ قصور تمہارا سمجھا جاتا ہے، الزام تم پر دھرا جاتا ہے۔ لاڈلی، اگر تو تاریخ کے کسی دردناک واقعے کا سبب بن گئی تو راجپوتی آن دو کوڑی کی ہو جائے گی۔ دنیا کہے گی جوالا سنگھ نے کتنا لا کر محل میں چھوڑ دیا تھا۔ بچا لے تو اپنے بوڑھے باپ کی آن، بادشاہ اور ملکہ کی جان اور تخت طاؤس کی شان۔ ابا حضور، حضور ابا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سلطان معظم کا وعدہ تیرے طلبگاروں کے پاس گروی پڑا ہے، شاہی خزانے کی دولت فضول سمجھی گئی ہے، فوجی طاقت بیکار ہو گئی ہے، اراکین سلطنت کے دماغ کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ یہ گتھی نہ سلجھی ہے نہ سلجھے گی، اور اگر سلجھے گی تو صرف تیرے ہاتھوں سے سلجھے گی۔ انتخاب کر لے، چن لے، پسند کر لے دونوں حقداروں میں سے کسی ایک کو، اور دوسرے سے انکار کر دے صاف صاف۔ مجھے یقین ہے کہ سہیل اور شیرازی تیری مرضی کے آگے سر نہ اٹھا سکیں گے۔ بول، بتا، تو کسے چاہتی ہے، کسے پسند کرتی ہے؟
एक गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटी किसी गैरतमंद ही को पसंद कर सकती है, और उन दोनों में से कौन ज्यादा गैरतमंद है ये हुजूर अब्बा अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या हम यकीन कर लें कि तू सुहेल से नफरत करती है? शराफत का डाकू, राजपूतियान पर सैकड़ों चरके लगा चुकने के बाद भी मुझे अपना हमदर्द समझता है। मुझ ना चीज की खातिर जो कुछ आपने किया तारीख उसकी गवाह रहेगी। मैं उससे नफरत करती थी, नफरत करती हूँ और नफरत करती रहूंगी उम्र भर, ये मेरा फैसला। तो चल मेरी बच्ची, आज इस किस्से का खात्मा कर दे, चाक कर डाल उसकी मोहब्बत की कविता को अपने हाथों से, जिसने तेरी जिंदगी में एक तूफान बपा कर रखा है। रूही, आसमानी हूर तू यहां, बारे रहा, ये ख्वाब है या आलम बिदारी? मैं तुमसे एक सवाल करने आई हूँ। मैं बगैर सुने जवाब दिए देता हूँ कि मैं तुम्हें खुदाए हुस्न समझता हूँ और बस। रूह में तू, दिल में तू, आंखों में तू, सांसों में तू, सुबह के अंगड़ाइयां लेते हुए जलवों में तू। ऐ मोहब्बत के मतवाले, अगर तू आशिक हकीकी है तो ये बता कि किसी शरीफ खातून के दो शौहर भी हुए हैं आज तक? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरा ध्यान भी छोड़ दे सुहेल, मैं किसी और की अमानत हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। सुहेल ने तुझे हासिल करने के लिए जन्नत बनाई थी, और मुगल सल्तनत के वारिस ने खुश होकर तुझे मेरे हवाले कर देने का वादा किया। तो फिर खंजर निकाल और मेरे दो टुकड़े कर डाल, ताकि सुल्तान के दोनों वादे पूरे हो जाएं। इंसाफ सिर्फ मेरे हक में होने वाला है, मुझे यकीन है। जब इंसाफ करने वाला ही ना रहा तो कौन इंसाफ करेगा? तेरी जितने दो फरिश्तों की मोहब्बत ने फौलाद की दीवार खड़ी कर दी है, और अब वो दोनों अलग अलग तड़प रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है। याद रख, अगर सुल्तान आलम या मलिका आलिया को आंच भी आ गई तो तेरी रूही अपने खानदान की पेशानी पे बदनुमा दाग बन जाएगी। दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी, लानत भेजेगी ऐसी कि तेरी रूही का नूरानी हुस्न नासूर की पीप बनकर पीला पड़ जाएगा। कीड़े दौड़ते दिखाई देंगे तेरी रूही की नस-नस में और ये जिस्म। बस कर रूही, बस कर। तेरा परस्तार, तेरा शहदाई तेरी ये हालत न देख सकेगा। मैं तुझसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं नहीं रोकती, मगर ऐसी मोहब्बत जैसे चकोर चांद से, बुलबुल फूल से, भंवरे की तरह रस चूस कर तुझे राहत न मिलेगी। रूही, वो रूही जिसे तू आसमानी हूर समझता है आज तेरी लौंडी बनकर भीख मांगती है। खुदारा खात्मा कर डाल अपने हसीन ख्यालों का, खात्मा कर डाल अपनी दिलफरेब आरज़ुओं का, खात्मा कर डाल अपनी सुनहरी उम्मीदों का, और बानोए हिंद और ताजदारे हिंद की जान बचा ले, वरना याद रख उनके खून का इल्जाम भी तेरी गर्दन पर होगा। रूही, मेरी अच्छी रूही, मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं तेरे हर हुक्म पर अपना सर झुकाता हूँ। अब ताजदार हिंद और बानवे हिंद की जान बचाना मेरा फर्ज हो गया। सुहेल, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से किस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से
इस घर को सजाया था, एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू, हसरत ने भरी आहें। अरमा के बहे आंसू, हसरत ने भरी आहें। हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। 22 तहरीर आके मैं सुहेल बिन अब्बास करमानी बाहोश व हवा से खमसा सुल्तान मौज़्ज़म हुजूर साहेब परां की इनायत करदा खातून रूही से हमेशा हमेशा के लिए दस्तबरदार होता हूँ और इकरार करता हूँ कि अब खातून रूही पर मेरा किसी किस्म का कोई हक नहीं रहा, लिहाजा ये इकरारनामा लिख देता हूँ ताकि सनद रहे। दस्तखत सुहेल बिन अब्बास करमानी बकलम खुद। सुहेल, माँ बदौलत ये जानना जरूरी समझते हैं कि तुमने ये इकरारनामा किसी जबर, असर, दबाव या खौफ से तो नहीं लिखा। सुल्तान आलम, गुलाम ने अपनी मर्जी से यह फैसला किया है। तुमने माँ बदौलत पर एहसान किया है, कुछ मुआवजा तलब करो। गुलाम किसी किस्म का मुआवजा नहीं चाहता। मरहबा, आफरीन। माँ बदौलत तुम्हारी शानदार कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। आओ कि हम तुमसे बगलगीर हो जाएं। बल्कि आलिया मुबारक हो, जो गुत्थी उलझी हुई थी वो खुदा की फजल से सुलझ गई है। सुहेल ने अपना दावा वापस ले लिया है, वो दस्तबरदार हो गया है और अब हजूर सुल्तान मौजूद आपके दीदार के लिए आ रहे हैं। मुमताज, मेरे सरकार। मुमताज, बल्कि आलिया बेहोश हो गए, बल्कि आलिया बेहोश हो गए। पानी ले, पानी, पंखा। मुमताज, मुमताज, हकीम साहब को बुलाओ, हकीम साहब को बुलाओ। मुमताज, आंखें खोलो मुमताज, होश में आओ मुमताज, हकीम साहब अभी आया ही चाहते। किसी हकीम या तबीब की जरूरत नहीं मेरे सरताज, हम जान गए हमारा आखिरी वक्त। मुमताज, मुमताज, जाने मुमताज, अब हमें इजाजत दीजिए। वो देखिए जन्नत में नगमा सराइयां शुरू हो गई, फरिश्तों ने अपने सर झुका लिए, पूरे हमारे इस्तकबाल में खड़ी हो गई। हमें अकेला ही छोड़ जाओगी? मैं वहाँ भी आपका इंतजार करूँगी। खुशनसीब हूँ कि आखिरी वक्त पर आपके दीदार हो गए। एक इल्तिजा है। वो क्या? हुक्म दो, फरमाओ,
मेरी मलिका, मेरी तमन्ना, मेरी मुमताज। मुमताज की आखिरी आराम काफी इतनी ही शानदार हो जितने की उसे जिंदगी में नसीब हो। मेरा मजार हमारी मशहूर मोहब्बत का आईना, एक ऐसी यादगार हो दुनिया में जिसकी मिसाल रुए जमीन पर न मिले। तुम्हारी वसीयत शाहजहान पर कर्ज है मुमताज, इंशाअल्लाह मरने से पहले ही मैं इसे अदा कर दूंगा। शुक्रिया। और अब दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमारे गम में सबर अता फरमाए। अलविदा मेरे सरताज, मैं चली। की बेवक्त मौत ने हुजूर सुल्तान की खुशगवार जिंदगी का खात्मा कर दिया है। हरम सरा में उदासी छा गई है। रूही का मुहाफिज रंजो गम की तस्वीर बना बैठा है। मेरी मंशा है कि अब चंद दिनों के लिए रूही को वापस बुलवा लिया जाए। शिराजी की अमानत पर हमारा अब क्या हक रह गया है? हुजूर सुल्तान इजाजत नहीं देंगे।
आखिर हमने भी तो उसे पाला है। मेरा ख्याल है मासूम बच्ची की दिलजोई के लिए इजाजत मिल जाएगी। तो फिर जरूर कोशिश कीजिए। ज्वाला सिंह, हमारी दुनिया लुट गई, मुगल सल्तनत का ताजदार सरनगू हो गया। अब शाहजहां सिर्फ मुमताज की आखिरी वसीयत पूरी करने के लिए जी रहा है। खुदा करे एक ऐसा रोजा तामीर हो जाए जो मरहूमा की याद दिलाने के लिए दुनियाए मोहब्बत में कयामत तक जगमगाता रहे। मगर क्या शिराजी मलिका मरहूमा की यह आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकेगा? सुल्ताने मुअज्जम, शिराजी एक माहिर फन इंसान है, वो हुजूर की तमन्ना जरूर पूरी करेगा। आलम पना, शिराजी रोजाए ताज का नमूना बनाकर दर दौलत पर हाजिर हुआ है। हाजिर हो। आज शिराजी अपने फन का शाहकार जिल्ले सुभानी के हुजूर में पेश करता है और दावे के साथ कहता है कि यह दुनिया के अजायबात में शुमार होगा। इसमें शक नहीं कि यह बेहद खूबसूरत है, मगर मरहूमा की शान के शाया नहीं। शिराजी फिर कोशिश करो। बहुत बेहतर। मेरे सरताज, मुमताज की आखिरी आरामगाह भी उतनी ही शानदार हो जितनी कि उसे जिंदगी में नसीब हुई। मेरा मजार हमारी मशहूर मोहब्बत का आईना हो, एक ऐसी यादगार हो दुनिया में जिसकी मिसाल रूए जमीन पर ना मिले। मुमताज, शाहजहां तुम्हारी वसीयत का कर्जदार है और इंशाल्लाह मरने से पहले ही ये कर्जा अदा कर दिया जाएगा। शिराजी रोजाए ताज का दूसरा नमूना लेकर हाजिर खिदमत हुआ। पेश हो। ये शिराजी के फन की इंतहा किबले आलम, हमें ये भी पसंद नहीं आया। शिराजी कुछ और बनाओ। वो चीज नहीं जिसे हमारी बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। शिराजी, हम तुम्हें एक जबरदस्त और माहिर फन संतराज समझते थे, मगर हमें यकीन हो गया कि तुम हमारी आरजुओं को पूरा न कर सकोगे। काश आज मैं बादशाह होने की बजाय एक संतराज होता। आज गुलाम साहब करां के दुख भरे दिल की गहराइयों को टटोलने में नाकाम हो गया और उस गम से भी ना आशना रहा जो हुजूर सुल्तान मलक मरहूमा की जुदाई में उठा रहा। और ये हकीकत है कि दुनिया में कोई चीज शाहकार नहीं बन सकती जब तक कि उसकी बुनियाद मोहब्बत के आंसुओं पर न रखी जाए। मुझे यकीन है कि रौज़ा ताज का नमूना कोई नाकाम मोहब्बत ही बना सकेगा जिसका शीशे दिल महबूब की जुदाई में हुजूर की तरह चकनाचूर हो चुका हो। इसे कबूल कर लो बेटा, ये तोहफा सुहेल ने भेजा है। क्या चीज है माँ? दोनों जहां की दौलत, इतना बड़ा खजाना। ये सुहेल के पाक के साथ की दलील है माँ, उसे अंदर बुला लो। ऐसे फरिश्ते का दीदार बायस बरकत है, बुला लो, फौरन बुला लो माँ। अंदर आ जाओ बेटा। मेरे
सभा से आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने ये तोहफा देकर मुझे दोनों जहां की बादशाहत बख्श दी। बैठिए, बैठ जाइए। रूही, बेटा रूही। आई अब्बा हुजूर, आई। फरमाइए। आज हम अपनी पुत्री से कुछ मांगने आए हैं, उम्मीद है मायूस न करोगी। खुदा न करे, मेरी तो जान भी हाजिर है हुजूर अब्बा। तेरी जान ही की जरूरत है बेटा, शिराजी को रौजा ताज के नमूने की बुनियाद तेरी लाश पर रखनी पड़ेगी। तो फिर मुझे कोई मार डाले, फौरन मार डाले। मलका मुअज्जमा की वसीयत के मुताबिक अगर रौजा ना बना तो हुजूर साहिब तरह पर बोझ रहेगा। यकीनन बोझ रहेगा, मैं शौक से मरने के लिए तैयार हूँ बाबा। तीर कमान उठाइए और मुझे जल्दी से हलाक कर दीजिए। तो फिर पर्दे की आड़ में खड़ी हो जा मेरी बच्ची, ताकि जिन हाथों ने तेरी परवरिश की है तीर चलाते समय ढीले न पड़ जाएं। आज हम अपने प्यारे बादशाह और मलिका की खातिर अपने लफ्ते जिगर को कुर्बान करेंगे। चिल्ला चढ़ाइए, मैं तैयार हूँ, मेरा सीना आपके तीर की जद में है। चलाइए तीर। होशियार। मार डाला तुमने रूही को, मार डाला ज्वाला सिंह। राजपूतों की आन का खात्मा कर दिया, साहेब करां की शान को बर्बाद कर दिया। तुमने हमारे इंसाफ का गला घोट दिया, मरहूमा की ख्वाहिश को कुचल दिया। वजह बयान करो कि तुम्हें फांसी की सजा क्यों ना दी जाए। कानून की निगाह में ज्वाला सिंह कातिल है और उसे फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। क़िबला आलम, मत समझो कि तुमसे रियायत बरती जाएगी। आंख का बदला आंख और जान का बदला जान, ये हमारे कुरान का हुक्म। गुलाम हर सजा के लिए तैयार है, इंसाफ सुल्तान मुअज्जम के हाथ में है। मां बदौलत फांसी का हुक्म सादर फरमाने से पहले ये जानना जरूरी समझते हैं कि तुमने रूही का कत्ल किस इरादे से किया। वो कौन सा जज्बा था जिसने बाप के हाथ बेटी के खून में रंग दिए? जज्बे वफादारी, मुल्क और बादशाह से वफादारी। सुल्तान मुअज्जम का गम समझाने के लिए शिराजी के दिल को ठेस लगाना बहुत जरूरी था दिल्ले सुभानी, और गुलाम ने वफादारी के जोश में हक नमक अदा किया। ये वफादारी नहीं, एक किस्म की गद्दारी है। तुमने शिराजी की अमानत का खात्मा करके मां बदौलत को दुनिया की निगाहों में हकीर कर दिया है। आज तुम्हारे इस जुर्म की सजा मौत है, और सिर्फ मौत। मौत? रूही की मौत? बाप के हाथों बेटी का खून, उफ, ये जुल्म किया सितम। इस मनहूस खबर के सुनाने से पहले तुम्हें मौत क्यों ना आई? तुम लोग मैजल क्यों ना बन गए? आए काश, आए काश सजा का तीर मेरे सीने में भी उतर जाए, मौत आ जाए मुझे भी। हाय दर्द चश्मे जदन सोहबत यार आखर शुद, रूए गुल सैर न दीदे मो बहार आखर शुद। आज शिराजी के पर नोश डाले किसी, लुट गई जिंदगी करीबुल वतन की। सुल्तान मौज़म, आज मैंने हुजूर का गम पा लिया, आज मैंने साफ तरह के दर्द को महसूस कर लिया, आज मैंने शहनशाह के शिकस्त दिल की आवाज सुन ली। बन गया वो शाहताज जिसे ताजदार हिंद की बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। यही है मुमताज जमाने की संग मरमर से बनाए जाने वाली आखिरी आरामगाह। यही है वो हसीन शाहकार जिसे हमारी बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। यही है वो हसीन ख्वाब जो शाहजहां ने मरहूमा मुमताज की याद में देखा था। बुलाओ इसके खालिक को, बुलाओ उस अजीब और गरीब इंसान को, बुलाओ जिसका तसव्वुर हमारे तसव्वुर से टकरा गया, जिसके मुबारक हाथों ने इस हसीन यादगार को तराशा। क़िबला आलम, इसका कारीगर, इसका खालिक सरजमीन हिंद को छोड़कर चला गया। चला गया? हमारे मुल्क से चला गया, बगैर मुलाकात के चला गया, बगैर इनाम और इकराम के चला गया। ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। रोक लो उसे, फौरन रोक लो। मुमताज, ये रोजा संग मरमर की जबान में हमारी मशहूर मोहब्बत की दास्तान हमेशा हमेशा दुनिया वालों को सुनाता रहेगा। तुम्हारी याद में शाहजहां की आंख से टपका हुआ ये वो आंसू है बानो,
جو دنیا کے رخسار پر قیامت تک جگمگاتا رہے گا. ایک فریادی در دولت پر حاضر ہے. پیش ہوں. خاتون تم کون ہو اور اس وقت یہاں آنے کا سبب؟ انداتا میں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ ایک بدنصیب راجپوت ناری اپنے پتی کی موت کے بعد دنیا میں کس کے سہارے زندہ رہ سکتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ عورت ہو یا مرد سہارا ٹوٹ جانے کے بعد زندہ نہیں رہتے. ہم بھی اے خاتون ایک زندہ لاش. پرجاپتی جب آپ کا درد بھرا دل کسی دکھیا کی وکتا پر رو سکتا ہے تو اس کی فریاد کیوں نہیں سنتے؟ ضرور سنیں گے اور اگر ممکن ہوا تو تمہیں اپنی مظلوم بہن سمجھ کر امداد بھی کریں گے. تو میرے پتی کو آزاد کر دو راجن. میں بھیک مانگتی ہوں ان کے جیون کی. وہ بالکل نردوش ہے. تم سردار جوالا سنگھ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ وہ میری مانگ کا سیندور اور جیون کا آدھار ہے انداتا. ایک قاتل کہ جس نے اپنی بیٹی کا خون بغیر کسی وجہ یا سبب کے بہا دیا ہو صرف پھانسی کا مستحق ہے. انہوں نے روحی کو قتل نہیں کیا راجن. روحی زندہ ہے, بالکل صحیح سلامت, بھلی چنگی. زندہ ہے تو کیا اس کی موت کے چرچے بے بنیاد ہیں؟ بالکل بے بنیاد, سراسر جھوٹے. روحی حضور کو مجرا بجا لانے کے لیے میرے ساتھ آئی ہے. ساتھ آئی ہے؟ جی بیٹا روحی آؤ, اپنے بادشاہ کے حضور میں سلام عرض کرو. بندی آدھا بجا لاتی ہے زندہ سبحانی. روحی تم حیات ہو, زندہ ہو تم. یہ کیا معجزہ ہے, یہ کیا کرشمہ ہے, یہ کیا راز؟ اسے رام رکھے اسے کون رکھے. حضور سلطان کے وعدے کی لاج رکھ لی بھگوان. تو کیا جوالا سنگھ کا تیر خالی گیا؟ راجپوت کا تیر خالی نہیں جاتا انداتا. تو پھر کون ہلاک ہوا؟ میرا چھٹا بچہ. کیا نام تھا اس سورما کا؟ سہیل. سہیل انداتا, جس طرح اس کوکھ سے جنم لیے ہوئے میرے پانچ بیٹے منہ بولی بہن کو سہاگن بنانے کے لیے ستے اتر گئے, ٹھیک اسی طرح سہیل نے بھی اپنی منہ بولی بہن کو سہاگن بنانے کی خاطر جان دے دی اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کو ڈھال بن کر اپنی چھاتی پر لے لیا. وہ مر کر امر ہو گیا ہے راجن. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید ہو گیا ہے, بخشا گیا ہے, آزاد ہو گیا. ہمیں جتنا غم اس کی موت کا ہے اتنی ہی خوشی اس کی عظیم الشان قربانی کی. خداوند نعمت شیرازی در دولت پر حاضر ہے, اسے اندر بلاؤ. ہم اس کی امانت اسے سونپنا چاہتے ہیں. بیٹا تم پردے میں چلی جاؤ اور بہن تم بھی. نصیب مسافر خدمت اقدس میں سلام عرض کرتا ہے. شیرازی وہ کیا خطا تھی ہماری جو تم روٹ کر چل دیے؟ خطا میری تھی جہاں پناہ, نہ ہندوستان آتا نہ آج اپنے ارمانوں کی لاش بے گور و کفن دیکھتا. معاذ اللہ, ہم اپنی ٹھکرائی ہوئی زندگی کو شیرازی کا سہارا دے کر ملکہ مرحومہ کی یادگار بنانا چاہتے تھے, مگر افسوس ہماری یہ خواہش بھی پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی. ممتاز کے روزے کا نمونہ جن ہاتھوں سے بنایا ہے انہیں آگے بڑھاؤ کہ شاہ جہاں چوم. خداوند نعمت میں گناہگار ہو جاؤں. تم نے اس بے مثال نمونے کو بنا کر مغل سلطنت کے بانی جنت مکانی ظہیر الدین بابر کی اولاد پر عظیم شان احسان کیا. قسم ہے ہمیں خدائے وحد کی, ہم نے مرحومہ کی یاد میں یہی خواب دیکھا تھا اور یہی تھی ہماری ممتاز کی آخری وصیت. تم نے ہو بہو وہی نمونہ بنایا ہے جس کا ہمیں الہام ہوا تھا. ہم تمہارے شکر گزار ہیں شیرازی. ایک چھوٹا سا تحفہ ہمارا بھی قبول کرتے جاؤ.
लो ये कंगन। कंगन? रूही की लाश से उतारा हुआ कंगन? नहीं, रूही के सुहाग का कंगन। दुल्हन का दूसरा हाथ आज तक खाली है, उसमें भी कंगन डाल दो। सुल्ताने मौजूद, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हैरान क्यों होते हो भाई? तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ, अपने फर्ज से सुबकदोश हो रहा हूँ। बहन, दुल्हन का हाथ बाहर निकालो, दूल्हा मियाँ आए हैं। रूही, परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने आज हमारे वादे की लाज रखी। आखिर वो दिन आ ही गया जब मलकए मरदूमा की वसीयत के मुताबिक बादशाह ने ताज बनाकर मुमताज की मोहब्बत का कर्ज अदा किया। ताज मोहब्बत के दामन में कोहनूर हीरे की तरह जगमगाता हुआ ताज, ताज एक शहंशाह के ख्वाब मोहब्बत की जीती जागती ताबीर, ताज मुमताज की याद में शाहजहां की आंख से टपका हुआ एक आबदार मोती, 20 साल की मुद्दत में 20 करोड़ की लागत से दुनिया का सातवां अजूबा ताज रोज़े मुमताज महल आगरे में तैयार हुआ। शिराजी ने बादशाह के लिए और भी शानदार इमारतें बनाई और अब वो अपनी रफीक़े हयात खातून रूही के साथ ईरान वापस जा रहा है। खुदा हाफिज़, वाहरी जाफिज़ा।